हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड कक्षा 9 पाठ 5। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जो कि चपला देवी द्वारा रचित है। पाठ का सार पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित मुख्य बातों को जान लेते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चपला देवी के द्वारा रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। यह पाठ इतिहास की सच्ची घटना है। इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि चपला देवी ने सरल, सहज एवं स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। वाक्य रचना कुछ स्थानों पर व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। बालिका के बलिदान का सजीव चित्रण किया गया है। इस पाठ में लेखिका ने 1857 के विद्रोही नेता नाना साहब की पुत्री देवी मैना के बलिदान का मार्मिक चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाठ का सार। 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता और शासकों ने विद्रोह किया था। कानपुर में विद्रोह असफल होने पर नाना साहब भागते हुए अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में अपने पिता के महल में ही रहती थी। कानपुर में भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेजों के सैनिक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया और तोपों के गोलों से महल को भस्म कर देने का इरादा प्रकट किया। तभी देवी मैना बरामदे में आकर खड़ी हो गई। उसने सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसने सेनापति हे को याद दिलाया कि उनकी प्यारी बेटी मेरी उसकी सहेली रही है। सेनापति ने सरकारी नौकर होने के कारण विवशता दिखाई। तभी जनरल आउटरम ने वहां पहुंचकर बताया कि नाना साहब पर अंग्रेजों को बहुत क्रोध है। संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया कि लंदन मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह मिटा दिया जाए। इसके घंटे भर के अंदर वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन टाइम्स में खबर छपी कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को पकड़ नहीं सकी है, जिस पर अंग्रेजों को बहुत क्रोध आया। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला